जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो और ये जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है इसी प्रकार की यातना सह रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, ये वचन हमें बताता है कि हम जब तक विश्वास में दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। इस वचन को पढ़ते हुए मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, गतसमनी के समय जब यीशु मसीह पतरस यूहन्ना और याकूब के साथ प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, उस समय यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, लूका 22:32 का ये वचन है, उन्होंने कहा था कि परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है पतरस कि तेरा विश्वास चला ना जाए, अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह जानते थे कि विश्वास में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। ये कलह, ये शैतान जो आपको तरह तरह की यातनाओं देने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, हमें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है। दोस्तों, कभी कभी हम भावनात्मक रूप में परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम भावनाओं में समझते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ है, लेकिन जब वक्त आता है, जब समय आता है, तो हम अपने विश्वास को बहुत ही कमजोर पाते हैं, क्योंकि वो वचन जो विश्वास को दृढ़ करता है वो हमारे अंदर नहीं होता है। भावनाओं में बहकर ही पतरस ने कहा, नहीं यीशु, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, तो क्या बात करता है। लेकिन जब वक्त आया, जब समय आया, जब शैतान सामने आकर पतरस के खड़ा हो गया, तो शैतान का सामना पतरस नहीं कर सका, उसका विरोध नहीं कर सका, वो वहां से भाग गया और असफल हो गया। पतरस ने देखा था यीशु मसीह को मर्दों को जिंदा करते हुए, पतरस ने देखा था यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए, लेकिन वो चमत्कार, वो गवाही उसके जीवन में काम ना कर पाई, क्योंकि भावनाओं में बहकर भावनात्मक रूप से वो यीशु को प्यार करता था। उसकी भावनाएं शैतान के सामने उन्होंने दम तोड़ दिया और बह निकली। इसीलिए वो आज समझा रहा है इस वचन के द्वारा कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, विश्वास को दृढ़ करो अपने अंदर। विश्वास में अगर तुम दृढ़ होकर उसका सामना करोगे तो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए पौलुस ने 2 कुरिन्थियन 4:17 में हमें बताया है, क्योंकि हमारा पल भर का ये हल्का सा कलेश एक ऐसी चिरस्थाई महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। दोस्तों, आपकी परीक्षाएं जैसी हों, आपकी परिस्थितियां जैसी हों, लेकिन हमें अपने उस कलह को थामना है, हमें उस अपनी परीक्षा में स्थिर रहना है। हालेलुया। और हमें स्थिरता के साथ दृढ़ होकर शैतान का सामना करना है, संयमी बनना है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ जो आपके अंदर है, परमेश्वर की शक्ति जो आपके अंदर है, परमेश्वर का ज्ञान जो आपके अंदर है, वो आपको विश्वास में दृढ़ करे और विश्वास की ढाल अपने हाथों में लेकर आपको शैतान के तीरों का सामना करना है, शैतान की ज्वाला का सामना करना है, उसकी योजनाओं का सामना करना है। तभी हम उस चिरस्थाई मुकुट को प्राप्त करेंगे, वो उस चिरस्थाई महिमा को हम प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे रखी है। इसलिए मेरे भाई, विश्वास का दृढ़ होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, और उसके लिए विश्वास का वचन, विश्वास की गवाही, विश्वास की कृपा, विश्वास का आशीष जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, वो हमेशा बनाए रखना है वचनों के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा। तो आइए बहनों भाई, आज हम ये दृढ़ करते हैं, निश्चय करते हैं कि हम विश्वास में कभी अपने आप को खोने नहीं पाएंगे। विश्वास में चाहे कैसा भी कलह हमारे जीवन में आए, हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे, हम परमेश्वर की महिमा प्राप्त करेंगे जो आने वाली है, हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। आई हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, सुनने वाले भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनका विश्वास दृढ़ रहे, शैतान के आने पर, शैतान की योजनाओं के द्वारा, शैतान के सताव के द्वारा भी इनका विश्वास ना जाए, हमारा विश्वास ना जाए, और हमें दृढ़ बनकर, दृढ़ विश्वास के साथ तेरी उपासना करें, तेरी आराधना करें और तेरे वचनों पर चलें। आज की सुबह परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना उन सब भाई बहनों के लिए है, सब कलीसियाओं के लिए है। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने सुनिए और कबूल किए। मैं